गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 7। आपको मैं कल बताया था पिछले क्लास में, आज उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इन वीडियो क्लासेज में। आप उसे ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे। आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज का नहीं छूटेगा। अब आइए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 7 में कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं। कुछ बच्चे टाइम पास करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, आपको चेक करना है कि आर 4, 14 एंड 49 आर इन प्रोपोर्शन। आपको चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, तीन नंबर से 1, 2, 3 आप इसको आपको चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो लेट अगर मानेंगे, लेट ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन, अगर ये प्रोपोर्शन में है तीन नंबर्स, तो लिख सकते हैं बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। यहाँ पुटिंग करेंगे हेयर ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 14 और सी इक्वल टू 49। तो बी इक्वल टू अगर हम चेक करेंगे, बी इक्वल टू 14 इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 49, तो इक्वल टू 4 का 2, 49 का 7 एंड 14 इक्वल टू 14। सो लिखिएगा हेंस, अतः हेंस 4, 14 एंड 49 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। तो अगर इसको फुलफिल करती है तो बोल सकते हैं कि अगर 3 नंबर्स दिया हुआ है तो आप इस क्राइटेरिया से आप चेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से चेक करेंगे। ठीक है, समझ गए, समझ में बात आ गई है। इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं, उससे आप समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द थर्ड टर्म, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द थर्ड टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म। आपको थर्ड टर्म कैसे निकालना है। ठीक है, तो लेट क्या करना, लेट थर्ड टर्म बी एक्स, क्या करना है थर्ड टर्म बी एक्स। अगर ए में उठाते हैं 8 और 12, तो लिखेंगे 8, 12 एक्स आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। तो बी कैन राइट 8:12, प्रोपोर्शन का साइन दीजिएगा। ठीक है, 12:x आपको
8 बाई 12 इक्वल टू 12 बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 8x इक्वल टू 12 इंटू 12 इसलिए एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 8 4 टू जा 4 थ्री जा 6 टू जा यानी 18 आपको थर्ड टर्म आपको मालूम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड टर्म निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर अब समझ में आ गए होंगे थर्ड टर्म को क्या माना। एक्स दो टर्म दिया हुआ था 8 और 12 तो थर्ड टर्म एक्स माना, इसको लिखेंगे 8 12 एक्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, वहां दिया हुआ है क्वेश्चन में थर्ड टर्म प्रोपोर्शन है तो 8:12 प्रोपोर्शन 12:x 8/12 इज इक्वल टू 12/x डू यू अंडरस्टैंड। इसको क्लियर करते हैं बोर्ड को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप किस प्रकार से बनाइएगा चेक, ये क्या करना है चेक। ठीक है, तो चेक में ए को, चेक में अगर हम बी को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर बी चेक करना है 2:7 2:7 प्रोपोर्शन नहीं दिया उसको चेक करना ही है एंड 2:0 दिया हुआ आपके पास 80:98 तो आप लिखिएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स EXTREMES यानी 2 × 98 8 × 16 196 फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू 7 × 98 8 7 = 56। ठीक है, और 9 7 = मल्टीप्लाई कीजिए 98 में 7 से, बाकी 2:7 बी में है एंड 28 है यहाँ पर 28 × 7 इक्वल टू 196 तो कह सकते हैं सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखिएगा जो बोर्ड है उसे लिख सकते हैं, है ना। ये क्या होगा दोनों इक्वल हो गया, अगर इक्वल होती है तो हेंस लिखिएगा हेंस में कि 2:7 एंड 28:98 आर इन प्रोपोर्शन। समझ में आ गया बात को, अगर क्वेश्चन है 2:7 एंड 28:98 इसको चेक करना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आप निकालिए फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालिए, अगर इक्वल हो जाती है तो बोलेंगे कि आर इन प्रोपोर्शन, अगर इक्वल नहीं होती है तो बोलेंगे नॉट प्रोपोर्शन। इसी प्रकार से आप 2, 3, 4 बनाइएगा होमवर्क में, 5, 6, 7, 8 आप ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। Thank you, stay home.